कल 8 जनवरी को अन्नदाताओं की सरकार के साथ बैठक है। उम्मीद है कि कृषि कानून पर जो विवाद चल रहा है उसका हल निकल जाएगा। अब तक 8 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन सरकार कानून में सिर्फ संशोधन पर ही तैयार हुई है। इसलिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए अन्नदाताओं की ओर से आज अपनी ताकत दिखाई गई। अन्नदाताओं ने दिल्ली के चारों ओर ट्रैक्टर रैली निकाली। तो कृषि कानून को लेकर आज दिन भर क्या रही हलचल, देखे इस रिपोर्ट में। कृषि कानून के खिलाफ अन्नदाता लगभग 1.5 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। उनका मोदी सरकार पर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अन्नदाताओं की मांग है कि कृषि कानून रद्द हो और एमएसपी को लेकर सरकार कानून बनाए, लेकिन सरकार अन्नदाताओं की ये मांग मानने को तैयार नहीं है। कल यानी 8 जनवरी को अन्नदाताओं की सरकार से इन्हीं मुद्दों पर बातचीत होनी है, लेकिन कल की बातचीत में हल निकल आएगा इसकी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आज कहा है कि जो अन्नदाता आंदोलन कर रहे हैं वो बिल को समझ नहीं पा रहे हैं। देश के करोड़ों अन्नदाता इस बिल से खुश हैं और रोज उनसे अन्नदाताओं के कई संगठन मिलने आ रहे हैं और कृषि बिल का समर्थन कर रहे हैं। कृषि मंत्री के बयान से उलट कृषि बिल का देश भर में विरोध बढ़ता जा रहा है। अन्नदाताओं ने सरकार से बातचीत करने से पहले आज अपनी ताकत दिखाई। दिल्ली के चारों ओर ट्रैक्टर रैली निकाली गई। गाजीपुर से पलवल, सिंगू से कोंडली, टीकरी से कोंडली और रेवासन से ट्रैक्टर रैली निकाली गई। अन्नदाताओं की ओर से दावा किया गया कि इस रैली में 60,000 से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल थे। ट्रैक्टर रैली में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अन्नदाताओं ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भी ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है और आज की रैली को इसका पूर्वाभ्यास बताया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर अन्नदाताओं के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को कृषि कानून वापस लेने होंगे। जब तक कानूनों की वापसी नहीं होगी, अन्नदाताओं की भी घर वापसी नहीं होगी। हम मई 2024 तक आंदोलन के लिए तैयार हैं। 8 जनवरी की बैठक में कोई हल नहीं निकला तो 9 जनवरी से आंदोलन और तेज किया जाएगा। अब देखना है कि आज अन्नदाताओं की रैली का सरकार पर क्या असर पड़ता है और क्या 8 जनवरी को होने वाली बातचीत में कोई हल निकल पाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।